बिजासन। लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ने के साथ ही बड़ी बिजासन धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा आगे भी निरंतर भोजन वितरण की व्यवस्था और गरीबों को राशन का किया जा रहा है वितरण। संस्था का कहना है कि जिला कलेक्टर द्वारा उन्हें कहा गया था कि हम आपको कच्चा मटेरियल उपलब्ध करा देंगे, आप हमें भोजन बना देना। तब मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें कहा था कि हम आपसे मटेरियल भी नहीं लेंगे और भोजन उपलब्ध करा देंगे, तभी से यह सेवा अभी तक चालू है। संस्था के एस वीरा स्वामी कहते हैं, प्रतिदिन 2000 लोगों को भोजन कराया जा रहा है, जिसमें जरूरतमंद लोगों को, सरकार द्वारा ठहराए गए मजदूरों, शासकीय सेवा में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को भी भोजन के पैकेट वितरण किए जा रहे हैं। भोजन अलग अलग मेनू अनुसार बनाया जाता है। ट्रस्ट द्वारा अब तक 75,000 भोजन पैकेट वितरण करने के साथ ही 500 गरीब परिवारों को राशन भी उपलब्ध कराने के साथ मुख्यमंत्री राहत कोष में 5,51,000 रुपए की सहायता भी दी गई है। बड़ी बिजासन सेवा समिति 25 तारीख से करुणा जब से चालू हुआ है, जब से SGM कलेक्टर ने हमको आदेश दिया, बोले हम सामग्री देंगे, आप भोजन करा के दे। हमने कलेक्टर SGM को ये बोला, आपको सामग्री की जरूरत नहीं है, बड़ी बिजासन सेवा समिति सच्चम है, माता जी का कृपा है, हमने बोला व्यवस्था हम करेंगे। 24 तारीख से हम 5 तारीख तक रोज 2,000-3,000 लोगों को भोजन हमने करवाया। उसके बाद भी 5 तारीख से कम हो गए, आज भी रोज 1500 आदमी को भोजन करवा रहे हैं। खेतिया युवा मिशन की सराहनीय पहल, जरूरतमंद बेसहारा लोगों को प्रतिदिन दोनों समय कराया जा रहा है भोजन। लॉकडाउन में गरीब और बेसहारा लोगों को होने वाली दिक्कतों के मद्देनजर युवा मिशन ग्रुप ने जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण की सराहनीय पहल शुरू की थी, जो लॉकडाउन लागू होने से अब तक लगातार जारी है। ग्रुप के सदस्यों का कहना है कि प्रतिदिन लगभग 700 लोगों को भोजन का वितरण करने के साथ साथ ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों कर्मचारियों को भी भोजन का वितरण किया जाता है। वहीं खाना वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंस सरकारी गाइडलाइन का भी पूरी तरह ध्यान रखा जाता है। खाना वितरण के लिए दोनों टाइम लाइन लगती है, सभी के हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। संस्था द्वारा अब तक 13,000 भोजन पैकेट का वितरण किया गया है। ग्रुप के लोगों द्वारा स्वयं के खर्चे और स्वेच्छा से दान देने वालों की सहायता से यह काम किया जा रहा है। ग्रुप के लोग कहते हैं कि आगे भी इस काम को इसी तरह निरंतर जारी रखा जाएगा। हम लॉकडाउन के दिन से निरंतर प्रतिदिन सुबह शाम भोजन का वितरण कर रहे हैं, भोजन पैकेट का वितरण कर रहे हैं। कितने लोगों को वितरण करते हो? हमने 5 व्यक्ति से स्टार्ट करके आज 750 से 800 व्यक्ति प्रतिदिन के भोजन पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। कितने टाइम वितरण कर रहे हो? सुबह शाम दोनों। किन किन लोगों को दिया जा रहा? जो भोजन से वंचित निर्धन गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, तथा विकलांग व जो भी हॉस्पिटल शासकीय हॉस्पिटल में मरीज के रूप में आते हैं, उन व्यक्तियों के साथ साथ शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी जो बाहर से आकर ड्यूटी दे रहे हैं, उन व्यक्तियों को भोजन